गाइस, सो टुडे आई एम बैक विद स्कैल्प ऑयल जो मैंने लिया था ऑलमोस्ट मे बी 2 मंथ्स बैक एंड मैंने उसको यूज़ करा है रिलीजियसली. आई ट्राइड टू यूज़ इट एंड ये जो है स्कैल्प ऑयल वो है डिवाइन हार्वेस्ट से. सो आई एम गोइंग टू लेट यू गाइस नो कि वो मेरे ऊपर काम किया है कि नहीं, बिकॉज ये स्कैल्प ऑयल जो है वो है एक मिरेकल हेयर ऑयल एंड इससे आपको यू नो जो बालों की ग्रोथ है, आपको बेबी हेयर जो हैं वो ऐसा ब्रांड क्लेम करता है कि वो आपको बेबी हेयर जो है वो दिखने चाहिए. मैंने इसको 2 मंथ्स 1.5 मंथ्स मेरे पास है एंड आई ट्राई टू यूज़ इट रिलीजियसली. आई वांट टू शेयर माय रिजल्ट्स विद यू गाइस. और ये मैंने, आप देख सकते हैं, इतना यूज़ करा है एंड दिस इज़ टू बी यूज ओनली ऑन योर स्कैल्प. तो लेंथ ऑफ योर हेयर में इसको नहीं लगाना था एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई ट्राइड टू यूज़ इट 2 टाइम्स इन अ वीक. और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, नीम एक्सट्रैक्ट है इसमें, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, हर्ब्स एंड रूट्स हैं. ये है डिवाइन हार्वेस्ट का. तो आई did try to use it religiously for I think 1 month and then I went out of the station or you know I forgot to take the scalp oil. तो बीच में थोड़ा सा gap आ गया to use. but सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि जब आप अपने you know hair care में कुछ भी change करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हेयर फॉल ना हो. उससे कोई भी नई चीज़ आप यूज़ करते हैं तो अगर उसका यू नो एडवर्स इफेक्ट होना है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा. जैसे हेयर फॉल है, अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, एनी शैम्पू, एनी ऑयल, तो आपको फर्स्ट वॉश से ही पता लग जाएगा. सो पहली चीज़ तो इससे बिल्कुल भी हेयर फॉल मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ. दैट आई कैन वाउच कि हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं था इससे. Only hair fall I felt जो start हुआ because I started a new shampoo जो मैंने अब बंद भी कर दिया because it didn't suit me at all. तो ये जो miracle hair oil है उससे मेरा बिल्कुल भी adverse effect कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी hair fall नहीं था. And जो brand claim करती है कि आपके जो baby hair हैं वो थोड़ा आना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत अच्छे हैं. एंड अगर किसी भी प्रोडक्ट का आपको पूरा इम्पैक्ट देखना है, पूरा इफेक्ट देखना है, तो यू शुड ट्राई टू यूज़ इट जो कि एक ब्रांड आपको बोलती है कि आपको 2 टाइम्स इन अ वीक यूज़ करना है, तो यू शुड डू दैट. एंड मैंने उसको ऐसे ही किया और इसमें लिखा है कि आपको मसाज करना है फॉर लाइक 2-3 मिनट्स. दैट ऑल्सो आई ट्राइड टू डू. तो मैंने रिलीजियसली इसको फॉलो किया एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू गाइज कि मुझे भी थोड़े थोड़े जो बेबी हेयर हैं वो आगे मेरे को फील हो रहे हैं कि आ रहे हैं. इफ़ यू गाइज कैन सी हेयर, तो थोड़े मेरे को भी फील हो रहे हैं. आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी. आई थॉट कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो हेयर बहुत घने हो जाएंगे ऐसा, बट आई थिंक उसके लिए भी आई have to give more time to this scalp oil because I think कि at least 3 months आपको देने चाहिए तभी आपको इतने result मिलेंगे. but जो अभी तक के results हैं for 2 months I can say, जिसमें 1.5 months मैंने use करा है, उसमें तो मुझे लगा कि बिल्कुल भी hair fall नहीं हुआ to begin with. ये oil जो है बिल्कुल भी ऐसा चिपचिपा type नहीं है जो आपको अच्छा नहीं लगे. बहुत ही लाइट ऑयल है एंड ये काफ़ी चलेगा बिकॉज आपको केवल स्कैल्प में लगाना है एंड सब पे इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग होगा. बट मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट तो एक्चुअली हुआ है. आई डू सी सम बेबी हेयर यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं जो अभी भी यहाँ दिख रहे हैं, इतने मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल. आई डोंट नो हाउ टू शो यू गाइज, बट काफ़ी मुझे लगता है जो बेबी हेयर मुझे यहाँ पे तो दिखते हैं तो वो डेफिनेटली मुझे लगा है कि थोड़ा सा जो है वो आना शुरू हुए हैं. सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि 3 महीने या 4 महीने में रिजल्ट्स और भी बेटर होंगे. तो ये एक ऐसा ऑयल है मुझे लगता है जो रूट एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट है फॉर हेयर ग्रोथ एंड दिस इज हैंडमेड. ये जो मेरे पास है ये है 120 ml का. तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आप
अगर अपना जो ऑयल है वो चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, सो दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन. आई वॉन्ट से कि मिराकुलस रिजल्ट आपको मिलेंगे कि बिल्कुल आपके थिन हेयर थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आपको सूट करेगा तो यू नो आपको भी बहुत फ़ायदा करेगा. सो मुझे तो सूट करा एंड आई विल कंटिन्यू टू यूज़ दिस. काफ़ी टाइम चलेगा, इफ़ 2 मंथ्स में मैंने इतना ख़त्म किया है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स आराम से चल जाएगा. एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि 6 मंथ्स में जो भी और ज़्यादा अगर हेयर ग्रोथ होनी है वो भी हो जाएगी. सो ये यू नो आई वॉन्ट टू शेयर. मैंने शायद पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया कि आई हैव चेंज्ड एवरीथिंग. आई हैव चेंज्ड माई यू नो स्कैल्प ऑयल. दिस वॉज द स्कैल्प ऑयल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. एंड उसके अलावा मैंने शैम्पू भी आज ही चेंज किया है एंड आई एम लाइकिंग दैट शैम्पू जो मैंने आज चेंज करा है, बिकॉज इससे पहले वाला जो शैम्पू था आई जस्ट हेटेड द शैम्पू. सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू गाइज. यू गाइज कैन चेक दिस ऑयल आउट विच इज अ स्कैल्प ऑयल फ्रॉम डिवाइन हार्वेस्ट एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ. अगर आपको सूट कर जाए और अगर यू नो ग्रोथ हो हेयर की तो वट कैन बी बेटर देन दैट. दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस रिव्यू. बाय बाय.